पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद अभी से आपने मुझे दिया हुआ हर काम, हर आदेश मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और बाकी सारे काम उसके बाद। वाह, मान गए। इसे कहते हैं जिद भी मेरी और पट भी मेरी। मतलब जिस समय जो करने का तुम्हारा मन होगा तुम वो करोगे, वादा करके भी वादा नहीं किया तुमने। मतलब जब भी तुम्हारी इच्छा होगी तुम दरबार के काम करोगे, और फिर कभी अक्का साहब का दिल रखने के लिए, एक अच्छी सुनवाई होने का दिखावा करने के लिए कभी कभार घर के काम कर लोगी। शिक्षित होने का ये अच्छा फायदा उठाया है तुमने, बहुत जल्दी समझ गई हो कि तुम्हारा फायदा किसमें है। कितनी चतुराई से जवाब दिया, सच बहुत खूब। नहीं मछली आई साहब, इसमें कोई भी चतुराई नहीं है, मैंने तो बस पूरी ईमानदारी से जवाब दिया है। सासू भाई, आप तो मुझे जानती है ना, बचपन से आप ही ने पाला है मुझे, आप ही के दिए हुए संस्कारों के साथ जीती आ रही हूँ। आप मेरे लिए क्या है, क्या मायने रखती है, ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ आपसे कि आपका दिल दुखा कर मैं ना कुछ करना चाहती हूँ और ना ही कुछ पाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें मेरी छोटी सी कोशिश से किसी का दर्द दूर हो सके तो वो कोशिश मैं ना करूं, ये मुझसे नहीं होगा। और इसमें मेरी कोई जिद नहीं है, बस मेरा स्वभाव है, बचपन से ही ऐसी हूं, 9 साल की उम्र से आपके पास हूं, और आप भी तभी से जानती है मुझे। अहिल्या, वो 9 साल की बच्ची अहिल्या और आज की अहिल्या, इसमें बहुत फर्क आ चुका है। बचपन में तुम्हारी सहेली रेनू, उसका दर्द देखकर तुम्हें बहुत दुख हुआ, तुम उसके साथ रोई, भगवान से शिकायत की, सबसे छुपाकर अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी तुम उसे, लोगों को अच्छा नहीं लगा, थोड़ी डांट डपट हुई और बस। लेकिन अब क्या किया तुम, एक विधवा की शादी करा दी। सच अहिल्या, तुम्हें इतनी हिम्मत आती कहां से है, बार बार दरबार जाकर बैठ जाती हो, बड़े बड़ों को सलाह देती हो, अब वो मासूम अहिल्या ये जान चुकी है कि उसने बड़े सरकार के दरबार में वो जगह बना ली है कि सालों साल चली आई परंपराओं को, विश्वास को तोड़ सको, और वही किया तुमने। आज पूरे मालवा में हर जुबान पर एक ही नाम है, अहिल्या, और ये बात खंडेराव के भविष्य के लिए चुनौती बन सकती है। क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं अक्का साहेब? मेरा भरोसा कीजिए सासू भाई,
मैं आपको वचन देती हूँ, छोटे सुबेदार जी के भविष्य के लिए मैं खतरा नहीं बनूंगी। मैं उन्हें चुनौती दूं, ऐसे कभी नहीं होगा। मेरा विश्वास कीजिए। सासू भाई, मैं यहां से रसोई में जा रही हूं और वाड़े के बाकी सारे काम भी कर दूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी मैं सासू भाई। ये लड़की जितना कह रही है इससे आधा भी कर लेना तब भी मेहरबानी होगी, नहीं तो कोलू की बैल की तरह वहीं आकर पहुंच जाएंगे हम और सब कुछ फिर से समझाना होगा। कायरे देवा, आप चित्रकार हैं ना? जी, नमस्कार। नमस्कार। आप अब तक गए नहीं? 8-10 परिवारों से मिलना है आपको, फिर उनके बताए गए विवरण के हिसाब से चित्र भी बनाने हैं। हो पाएगा ना? क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ही कठिन। जी मुझे पता है, लेकिन अभी तक उन लोगों के नाम और पता नहीं मिल पाए हैं मुझे, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। आपको अब तक उनके नाम और पता की सूची नहीं मिली? नहीं। सुनो, धनाजी सरदार को तुरंत यहाँ आने के लिए कहो। अभी बाग से तोड़कर ला रही हूँ, कितनी ताजी लग रही है ना। क्या हुआ, कुछ उदासी लग रही हो? अहिल्या, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मुझे नहीं बताओगी? आओ मेरे साथ। तुमने कुछ गलत नहीं किया अहिल्या, तुम वही कर रही हो जो सही है। पर सासू भाई मुझे गलत क्यों समझ रही है? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।